फगवाड़ा के सिविल हस्पताल विखे सबका मंत्री ते आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज जोगिंदर सिंह मान वालों अचनचेत चैकिंग की गई। चैकिंग दौरान मान वालों सब तो पहला हस्पताल पहुँचते ही हाजिरी रजिस्टर चैक किया गया। इस चैकिंग दौरान 3 डॉक्टर समेत 12 मुलाजम गैर हाजिर पाए गए। इस मौके जोगिंदर सिंह मान वालों हस्पताल के वख-वख विभागों की भी चैकिंग की गई और हस्पताल में जो कमियां पाई गई उन्होंने भी नोट किया गया, जिस बारे मान ने कहा कि यह सारी रिपोर्ट बना के पंजाब सरकार को भेजी जाएगी। इस अचनचेत चैकिंग जोगिंदर सिंह मान के नाल दलजीत राजू दरवेश पिंड अवतार पंडवा समेत आम आदमी पार्टी के वर्कर हाजिर सन। इस मौके मीडिया नाल गलबात करदिया जोगिंदर सिंह मान अते सिविल हस्पताल दे SMO ने की कुछ कहा, देखो पूरी खबर। फगवाड़ा न्यूज़ TV तो शरणजीत सिंह सोनी की रिपोर्ट। राजू जी और सतपाल सिंह जी, अज अचनचेत गवर्नमेंट के प्रोग्राम के मुताबिक हस्पताल की चैकिंग की थी। डॉक्टर्स ने उन्होंने सीट पर जाके देखा, मैं पौने नौ इतने आ गया से। डॉक्टर लिंबर राम जी इतने 9 बजे आ गए से, थैंक यू उन्होंने कि वाकई ड्यूटी के पूरे प्रबंध ने। बाकी स्टाफ दे उन्होंने मौके पर जाके और पेशेंट्स में मिलकर सारे नाल गल करके टोटल जिहड़े एबसेंट्स है वो 12 है। लेट आए हैं वो 4 है, पर्टिकुलरली डॉक्टर 3 जिहड़े है वो एबसेंट ने। तो मैं समझदा कि डॉक्टर साहब मेरे नाल बैठे ने SMO साहब कि हेल्थ एंड एजुकेशन दो सर्विस जड़ियाँ बड़ी जरूरी है। तो मैं अज तक सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा असी इन्हों की जी मार्किंग उन्होंने कर देती है और ये खबर प्रेस, थैंक यू प्रेस का भी उन्होंने साथियों ने इस बारे उन्होंने तकलीफ की है, मैं उन्होंने धनबाद दी। प्रेस का मकसद यह कि तकरीबन सारे पता लग जाए कि सरकार चेंज हुई है, सरकार चेंज होने के नाल सारे अफसरस जोड़े ने अपनी अपनी ड्यूटी करवा रहे हैं। ड्यूटी का एहसास कराना तो ड्यूटी समझ मेरे जो मेरी दिमाग की सोच है कि पाठ पूजा नालों भी जो तुम अपनी ड्यूटी वैल परफॉर्म कर दो इस मोर दैन रिलीजियस जीडियाँ सैरमोनीज है। तो मैं सारे बेनती करूँगा अज इन्नी है सर कि रेगुलर होने की कोशिश करो, बाकी दफ्तर की भी जी बकायदा चेक की। सिविल हॉस्पिटल का पूरा दौरा किया वा, की कमियां तो सामने आई? कमियां जीडिया दस उन्होंने किया ऑक्सीजन प्लांट की कोशिश की, डायलिसिस का किया, दोनों प्लांट जोड़े मौके पर जाकर देखे हैं। भावें यह शिकायत हैगी है कि ऑक्सीजन प्लांट अड चल रहा, लेकिन वर्किंग जी है वो प्रॉपर तरीके देखी जाए और जोड़े नाइट ड्यूटी वाले डॉक्टर उन्होंने शिफ्टों की जी है शीट को ले ली है, रात में चेकिंग करके डॉट किसी को मैं नाइट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बड़ी स्मूथली सरकार के काम थ्रू करना चाहता। मान साहब अजी गल करिए अज की जो डॉक्टर गैर हाजिर पाए गए या स्टाफ गैर हाजिर, उन्होंने एबसेंट लाई जाएगी तो की उन्होंने विभागीय कार्रवाई लिए भी लिखा जाएगा? वो मैं CM ने डिसीजन करते हैं CM ने जो लेट आए उन्होंने वार्निंग फिलहाल अब तो वार्निंग करते हैं जो गांव तो लेट आए तो हाफ हाफ करते हैं। मान साहब एक गल दस्सो, रूटीन दे विच जिहड़ी पब्लिक आंदी आ सिविल हॉस्पिटल दे विच जे ओह परेशान हुंदी आ क्योंकि रूटीन दे विच तुसीं वी डेली चैक नहीं कर सकदे, ओहदे विच की सहूलत होंदी? मैं कुछ एक हेल्पलाइन नंबर जिहड़ा अपने घर ला लैंदा जिहड़ा लैंडलाइन हुंदा जिदा कल आई जाणगे रिकॉर्ड करके उहनां नूं असीं कायदा नाल इनफॉर्म करांगे जां सबूत दे आ। हेल्पलाइन नंबर जारी करो कर देंगे ना अपना। हांजी मैं डॉक्टर लैंबर राम SMO ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਨੀਚੇ OPD 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਲੈਬ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। OPD 'ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉੱਪਰ ਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਬ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਜੀ? ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ 3 ਪਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉੱਦਾਂ ਸਰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਗਾਂ ਵੀ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।
हाँ जी मैडम की नाम जी? मेरा नाम डॉक्टर सिमरदीप। सिमरदीप जी की मामला जिहड़ा अज मान साहब वालों चैकिंग की गई है तो तुहाडे बाहर जिहड़ा एंट्री लई उत्थे कोई भी बंदा मौजूद नहीं है तो महिलावां दी भारी भीड़ पई हुई है ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਮੈਡਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆ? 9 बजे मां साहब 9:45 पहुंचे हुण तक उत्थे कोई कुर्सी ते खाली पई हुई है कि ओ पेशेंट चेक करन गए सी जिहड़ा रजिस्टर ते एंटर उस दे बारे विच नर्सिंग सिस्टर तुहानू बेटर दस सकदे बिकॉज़ ओ नर्सिंग सिस्टर। नहीं मेरा सवाल समझो, इक तुसी डॉक्टर एज ए कुर्सी ते बैठे होया पर तुसी पेशेंट नहीं देख सकदे क्योंकि बाहर एंट्री है नहीं पेशेंट दी। तुसी की कार्रवाई क्यों नहीं लिखिया तुसी हुण तक विभागी नूं कार्रवाई लेके बाहर एंट्री क्यों नहीं कीती जा रही? मैडम मेरा सवाल फॉलो करो, तुसी रोज होंदी है हर रोज काम चलते पर अज चेकिंग दौरान पाया गया कि कोई भी मौके तुसी उहदे लई तुसी लिख दिता जो कि मैनूं भी पता होणे चलिया कि नर्सिंग सिस्टर ने उन्हां कॉल कीता। मैं किरण नूं पुछया कि तुसी इत्थे उपर वॉच ने शी टोल्ड कि मैनूं नर्सिंग तुसी लिखती शिकायत करोगे क्योंकि महिलावां काफी परेशान है, 9:45 दीआं खड़ियां हो, उन्हां दी एंट्री तक नहीं हुई ते डॉक्टर चेक की करूगा? लिखती कार्रवाई की जाऊगी कि नाम जी? की मामला सिविल अस्पताल आए, की मामला होया? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਚਾਬੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਲਿਖਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੜਾ? ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫੰਡਾ। ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.